दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारी धरती पर जानवरों की अनगिनत प्रजातियां रहती हैं, जिस वजह से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि खोजकर्ता रोजाना जानवरों की नई नई प्रजातियां खोजने में लगे रहते हैं। हम नहीं जानते कि अगले ही पल किस खोजकर्ता द्वारा जानवरों की कौन सी नई प्रजाति खोज ली जाए, क्योंकि कई बार धरती पर जानवरों की ऐसी प्रजाति भी खोजी गई है जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि ऐसे जीव भी धरती पर रहते होंगे। तो चलिए जानते हैं हाल ही में खोजे गए कुछ ऐसे ही अजीब जीवों के बारे में। नंबर 10, ओशन सनफिश। ओशन सनफिश, जो कि मोला मोला के नाम से भी जानी जाती है, इस दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी बोनी फिश की प्रजाति है, जो कि 10.5 फीट लंबी होती है। अब सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि यह आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और इसका नाम इसके व्यवहार को देखते हुए ही रखा गया है, क्योंकि यह समुद्र में अक्सर पानी की सतह पे आके धूप लेती है। ये बहुत ही खतरनाक शिकारी भी होती है और समुद्र के अंदर मौजूद बहुत सी छोटी मछलियों का शिकार करती है, लेकिन इनका सबसे पसंदीदा भोजन जेलीफिश होती है, क्योंकि जेलीफिश में बहुत ही कम कैलोरी होती है और ये उसे खाकर अपना वजन स्थिर रखती है, जो कि पहले से ही बहुत ही ज्यादा होता है। दोस्तों अपने आकार की वजह से इन्हें बहुत ही कम बार शिकार करना पड़ता है, पर अमूमन ये सी लायंस, किलर व्हेल्स और शार्क्स के निशाने पर रहती है। नंबर 9, अननोन क्रीचर। दोस्तों इस पिक को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा जीव है। वेल, इस जीव की तस्वीर को अमेरिका की एक रिसर्च टीम द्वारा खींचा गया था, जिन्हें जंगल में ये जीव दिखाई दिया था। दोस्तों ये जीव दिखने में किसी इंसान की तरह ही है और इसका सर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसका आकार भी बहुत ही ज्यादा छोटा है और इसकी स्किन लाल से रंग की है, जो इसे और भी अजीब बनाती है। खैर, जब तक वो रिसर्च टीम इसके करीब जा पाती, ये जंगल में कहीं दूर गायब हो गया था। आपको क्या लगता है ये कौन सा जीव है और इसका नाम क्या होना चाहिए, हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8, हेडलेस चिकन मॉन्स्टर। हाल ही में कुछ समय पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च टीम द्वारा गल्फ ऑफ मेक्सिको में समुद्र के अंदर एक ऐसे जीव को देखा गया है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस जीव का नाम है हेडलेस चिकन मॉन्स्टर, जो कि अपने असामान्य आकार की वजह से जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसके शरीर पर बहुत ही छोटे छोटे पंख मौजूद हैं, जिनकी मदद से ये पानी में तैरता है और अपने शिकार को पकड़ता है। इसके अजीब आकार की वजह से इसे सी क्यूकम्बर भी कहा जाता है। हालांकि आज भी वैज्ञानिकों को इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ 2 बार ही देखा गया है। खैर, आप इसे तैरते हुए देख लेंगे तब आपको ये किसी कटे सर वाले मुर्गे के समान ही लगेगा। नंबर 7, वॉलेसेस जायंट बी। दोस्तों इस बड़ी मक्खी का नाम तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि 1858 में रिसर्चर वॉलेस द्वारा खोजी गई थी। ये अब तक की सबसे बड़ी मक्खी है, जो कि आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा आकार होने के बावजूद भी ये झुंड में रहना पसंद करती है और इनका घर पेड़ों की छाल के बीच होता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये इस दुनिया के सिर्फ 3 आइलैंड के जंगलों में पाई जाती है और वो तीनों आइलैंड इंडोनेशिया में मौजूद हैं, जो ये बताता है कि इन्हें एक अलग वातावरण में रहना पसंद होता है और ये इन 3 आइलैंड्स के अलावा कहीं और रहने में सक्षम नहीं है। इतना ही नहीं, ये इतनी ज्यादा दुर्लभ प्रजाति की मक्खी है कि 1858 के बाद इसे महज 3 बार ही देखा गया है। एक बार 1991 में, उसके बाद 2018 में और 2019 में। अभी तक कोई भी एक बार से ज्यादा इन्हें कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि ये बहुत ही तेज होती है और आपके पलक झपकते ही गायब हो जाती है। नंबर 6, हॉगनोज रैट। दोस्तों हॉगनोज रैट चूहों की एक बहुत ही प्यारी प्रजाति है, जो कि फिलहाल केवल इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड पे पाई जाती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन चूहों की नाक अन्य चूहों से बड़ी होती है, जो इन्हें जमीन के अंदर अपने खाने को खोजने में मदद करती है। ये ज्यादातर केंचुए और बीटल्स खाते हैं और इसी वजह से इन्हें जमीन के अंदर उन्हें खोजना पड़ता है। आज तक दुनिया में ऐसे चूहे कहीं और नहीं देखे गए हैं और शायद यही वजह है कि इन चूहों ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि किस कारण से ये सिर्फ 1 आइलैंड पे सीमित हैं, क्योंकि अन्य चूहों की आबादी तो दुनिया भर में बढ़ रही है। आज बहुत से वैज्ञानिक और रिसर्चर मानते हैं कि ये चूहे दुनिया में दूसरी जगह पे भी रहने में सक्षम हैं और इसी वजह से इन्हें दुनिया में दूसरी जगह भी बसाने का काम चल रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत खतरा है, क्योंकि ऐसे में ये विलुप्त भी हो सकते हैं। नंबर 5, सी टोड। सी टोड एक तरह की एंगुलर फिश होती है, जो कि ज्यादातर पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में करीब 8000 फीट की गहराई में पाई जाती है। दोस्तों ये दिखने में बहुत ही विचित्र होती है और इनका आकार गुब्बारे की तरह होता है और इनकी पूंछ भी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इनके पास खुद को अन्य समुद्री जीवों से बचाने के लिए बहुत ही अद्भुत कला होती है, जिसकी मदद से ये अपने गिल्स के अंदर बहुत सारा पानी भर लेती हैं और अपना आकार बड़ा कर लेती हैं, जो कि इन्हें शिकारियों से बचाने में इनकी मदद करता है। इनकी लंबाई करीब 12 इंच की होती है और इनके शरीर पे बहुत ही सुंदर पंख होते हैं, जिनकी मदद से ये तेज तैरती तो है ही, साथ ही शिकार को अपनी तरफ आकर्षित भी करती है।
खैर आज भी वैज्ञानिक इनके बारे में जानने में लगे हुए हैं क्योंकि ये बाकी एंगलर फिश से बहुत ही ज्यादा अलग है। नंबर 4, केव ड्वेलिंग बीटल। अगर आप सभी किसी जीव की नई प्रजाति को खोजना चाहते हैं तो आपके लिए गुफाएं एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं, क्योंकि गुफाओं के अंदर अंधेरे में बहुत से ऐसे जीव मौजूद होते हैं जो दुनिया के लिए अब तक अनजान हैं। ऐसी ही एक डिस्कवरी पिछले कुछ सालों में हुई जब रिसर्चरों की एक टीम एक गुफा के अंदर गई जहां उन्हें केव ड्वेलिंग बीटल देखा जो कि सामान्य बीटल से बिल्कुल अलग था। दोस्तों इस तरह का बीटल सिर्फ चीन में ही पाया जाता है जो कि गुफा में रहने के लिए अच्छे से ढला हुआ होता है। लेकिन क्या आपको पता है इस बीटल की आंखें और पंख नहीं होते और ये पीले और भूरे रंग का होता है। दोस्तों इसका शरीर बहुत ही ज्यादा पतला होता है और ये गुफा से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। आज वैज्ञानिक ये जानने में लगे हुए हैं कि आखिर ये खाता क्या है, क्योंकि गुफा के अंदर कुछ छोटे कीड़ों के अलावा कुछ नहीं होता। नंबर 3, टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स इस दुनिया की सबसे अविश्वसनीय जीवों में से एक है। इन्हें 18वीं सदी में खोजा गया था। ये एक तरह के माइक्रोस्कोपिक जानवर हैं, जिनका आकार इंच से करीब 150 गुना छोटा होता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में अब तक करीब 1300 टार्डिग्रेड्स की प्रजातियां रहती हैं, जो कि एक दूसरे से लगभग समान होते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है, चार पैरों वाला ये जीव किसी भी वातावरण में रहने के काबिल होता है और यही वजह है कि ये धरती पे करोड़ों सालों से जीवित हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन्हें ज्यादा रेडिएशन और आग में भी कुछ नहीं होता और ये इनमें भी बहुत ही आसानी से जीवित रह लेते हैं। वैज्ञानिक ये जानने में लगे हुए हैं कि ये इतने सालों से कैसे जीवित हैं और ये किसी भी कंडीशन में जीवित कैसे बच जाते हैं। नंबर 2, लीफ टेल्ड गेको। लीफ टेल्ड गेको मेडागास्कर के जंगलों में पाया जाने वाला एक ऐसा जानवर है जो कि सिर्फ कीड़े मकोड़ों का ही शिकार करता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये मक्खियों, मकड़ियों और कॉकरोच और घोंघे जैसी लगभग हर चीज पे हावी हो सकते हैं। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, इनके पास शिकारियों से बचने की बहुत ही जबरदस्त कला होती है और अपनी उसी कला का इस्तेमाल करके ये खुद को शिकारियों से बचा लेते हैं। ये अपने भूरे रंग के पत्ते जैसे शरीर का इस्तेमाल करके खुद को सूखे पत्तों के ढेर पे छिपा लेते हैं और शिकारियों को नजर नहीं आते। दोस्तों इनके पास एक पत्ती से दूसरी पत्ती पे छलांग लगाने की कला भी होती है और अगर कोई शिकारी इन्हें गलती से देख ले तब भी अपने शरीर को हिलाकर और अपनी जीभ निकालकर एक पत्ती से दूसरी पत्ती पे छलांग लगाकर भाग जाते हैं और खुद को शिकारियों से सुरक्षित कर लेते हैं। नंबर 1, वोगल क्लॉप सुपर बर्ड। दोस्तों वोगल क्लॉप चिड़िया दुनिया की सबसे सुंदर चिड़ियों में से एक है, जो कि गहरे काले रंग की होती है। दोस्तों इनका रंग इतना ज्यादा गहरा होता है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाली 95% रोशनी को अब्सॉर्ब कर लेती है। इस दुनिया में अब तक ऐसी 41 चिड़ियों की प्रजातियों को खोजा जा चुका है, लेकिन वोगल क्लॉप उनमें सबसे ज्यादा सुंदर और प्यारी है। दोस्तों नर वोगल क्लॉप मादा वोगल क्लॉप को रिझाने के लिए अपने पंख फैलाकर उसके चारों तरफ डांस करता है और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप सभी इस चिड़िया को देखना चाहते हैं तब आपको इसे देखने के लिए ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वहां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।